क्या आप जानते हैं कि शहीद भगत सिंह के शव को दो बार जलाया गया था? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उससे पहले अगर आप भारत से हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शवों को दो बार जलाया गया था। इसके पीछे का कारण इन क्रांतिकारियों को सम्मान देना है। दरअसल आजादी के इन मतवालों को मारना अंग्रेजों के लिए इतना भी आसान नहीं था, इसलिए इनको धोखे से मारा गया था। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने जनता के विद्रोह के डर से फांसी की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने के बाद बेरहम अंग्रेजों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी के किनारे स्थित हुसैनीवाला नामक जगह पर ले जाकर उनके शवों को बहुत अपमानजनक तरीके से जलाने की कोशिश की थी। जब इसकी खबर देशवासियों को लगी तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसमें लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती और भगत सिंह की बहन अमर कौर भी मौजूद थी। बेकाबू भीड़ को अपनी करीब आता देख अंग्रेज उनके अधूरे शव को वहीं छोड़कर वहां से भाग निकले। फिर लोगों ने जलती हुई आग से उनके शवों को बाहर निकाला, जिसके बाद देशवासियों ने इन वीर सपूतों का अंतिम संस्कार लाहौर स्थित रावी नदी के किनारे करने का फैसला किया। 24 मार्च की शाम तीनों क्रांतिकारियों को पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस सच्ची घटना का जिक्र शहीद सुखदेव के भाई मथुरा दास ने अपनी किताब मेरा भाई शहीद सुखदेव में भी किया है।